कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बहुपुरा के इस सरजमी पर फाइनल मुकाबला 7000 की लड़ाई के लिए अजीत गए हैं 3 नंबर की जर्सी में, जिसे खून खून में रग रग में जीत नशों में तैरते हुए अजीत, जिसको जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कहा जाता है, मगर ठगरी पाली की टीम नामुमकिन को मुमकिन करने में कहीं हार या पहले ही रहने के गल कर लिए गए हैं। फाइनल मुकाबला का पहला पिक उतार चुका है ठगरी पाली की ओर से, 1 नंबर की जर्सी ये फिर से गए हैं फिर में, देखते हैं यहाँ पर ठगरी पाली के बेर रेडर है की टीम और ठगरी पाली काफी मेहनत और सख्त के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं और फाइनल का पूरा प्रेशर साफ साफ यहां दिखता है और बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में जा रहे हैं घूमे हिमसागर के नाम से जाने जाते हैं पेंड्रावन की ओर से 1 नंबर की जर्सी में, यदि अपने टीम के ही नहीं पूरे महासमुंद जिला के नंबर वन ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं रेम कुमार, और 2 टच का अटेम्प्ट किए हैं लेकिन यहां पर नहीं अंपायर द्वारा, और इस तरह से ठगरी पाली की ओर से घर में गए हैं 1 नंबर की जर्सी में, और देखते हैं यहाँ पर बोनस का अटेम्प्ट किया होता है ये तो अंपायर का डिसीजन ही आने के बाद पता चलेगा, और यहाँ पर गजेंद्र द्वारा हाफ मछली जंप कहा जा सकता है इस टेकल को, फाइनल मुकाबला दोनों टीम एक एक की बराबरी पर, पेंड्रावन की ओर से 1 नंबर जर्सी में हेम कुमार, एक बेहतरीन खिलाड़ी ठगरी पाली की टीम अगर इस मैच का जीतते हैं तो एक अंक बोनस पेंड्रावन को और एक डिफेंड का ठगरी पाली टीम को, इस तरह दोनों टीम दो दो अंक की हुई बराबरी पर, बराबर में है तिले साहू सरपंच के द्वारा 1001 रुपए का इनाम अगर ठगरी पाली की टीम यह मैच जीतती है तो, गजेंद्र काफी खतरनाक डिफेंडर के रूप में जाने जाते हैं कभी भी अपना ये कर देते हैं, और शेखर चंद्रा का 4 नंबर की जर्सी में फाइनल मुकाबला दोनों की बराबरी पर, काफी दबाव के साथ दोनों टीमों के बीच में साफ नजर आता हुआ एक एक अंक के लिए दोनों टीम पर, और यहाँ पर देश कर दिए गए सफर चंद्रा करके, ठगरी पाली की टीम अगर जीतती है तो 1001 रुपए अलग से पुरस्कार राशि, और चंद्रमणि नायक द्वारा भी 101 रुपए राजमिस्त्री जो कि पानी टंकी के निर्माता निर्देशक संगीतकार सब कुछ कहा जा सकता है ठगरी पाली पानी टंकी का, और फिर से जीत गए हैं जिसको पहले ही सर्विस में टेकल किए थे ठगरी पाली के खिलाड़ियों द्वारा, दो डायरेक्ट ठगरी पाली की ओर से के मैदान में, और एक गजेंद्र यहाँ पर सही उत्तर रखना होगा रेडर को रिंग से लेना पड़ता है, और एक गजेंद्र का थाई जबरदस्त मछली जंप के लिए जाने जाते हैं डाइव के लिए, खतरनाक डिफेंडर है उसके चंगुल से बच पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन कहा जाता है, और तीन तीन की बराबरी पर फिर से अजीत गए हैं यहाँ, एक बार फिर पकड़ लिए गए हैं अजीत का शिकार कर लिए गए हैं, काफी कांटे का टक्कर ताबड़तोड़ टक्कर में चलता हुआ यहाँ पर ठगरी वाली एक अंक की बढ़त बना लिए है, गजब गजब
यहाँ पर धर्मो एक नंबर की जर्सी में गए हैं। और फिर से गए हैं हेम कुमार एक नंबर की जर्सी में, एक जाने माने ऑलराउंडर भीम रावत की ओर से। देखते हैं यहाँ पर क्या कर दिखा गए ठगरी पानी के पानी में। बेहतरीन खिलाड़ी मारे जाते गए, नहीं तो सुपर से भी ऊपर रेड हो सकता था यहाँ पर। तो अंकों की पहल बना दी गई ठगरी पानी की टीम। अरे धर्मो मार मार रे मार रे मार 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 ए धर्मो। और यहाँ पर गजब गज हाथी की तरह पूरे संयम बरतते हुए फाइनल मुकाबला का प्रेशर साफ नजर आता हुआ ठगरी पारी और पेंड्रावन के ऊपर। अब दो एंटाई रेड पर खेलते हुए पेंड्रावन की टीम और ठगरी पाली की ओर से फिर से दो एंटाई रेड आ चुका है। और इसके मास्टर माने जाते हैं गजेंद्र भाई, जो कि पप्पू के नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ पर लेकिन क्या सिग्नल मिलता है तो हम तैयार ही बताएंगे। दो एंटाई रेड है, ये देखना होगा। और रेडर को आउट किया गया है यहाँ पर, दो एंटाई रेड था। और इस तरह चार और पांच का स्कोर चलता हुआ शेखर चंद्रा कर गए हैं चार नंबर की जर्सी में। और एक बोनस के साथ देखते हैं कितना अंक ले पाते। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए लड़ाई लड़ रही है, एक एक अंक काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। और ठगरी पाली की टीम वापसी कर चुकी है, बेस्ट मोमेंट कहा जा सकता है शेखर चंद्राकर का इस फाइनल मुकाबले में, क्योंकि वापसी कर रही है। और बेहतरीन ब्लॉक शेखर चंद्राकर द्वारा, एक अंक बोनस ठगरी पाली का और एक अंक और देखते हैं यहाँ पर ठगरी पाली एक समय आगे चल रही थी लेकिन दो अंकों के पीछे है, इसको पकड़ने बराबर हो जाएंगे। सुपर टेकल आर है लेकिन संयम बरता अंतिम क्षणों में। और यहाँ पर आठ नंबर की जर्सी में गया है लक्की, देखते हैं इसका लक साथ दे पाता है या इसका लक पेंड्रावन की ओर चला जाता है, क्योंकि आप तो डिफेंडर के रूप में खेलते हैं ठगरी पाली की टीम में। रेड जाने का बहुत ही कम। और यहाँ पर शेखर चंद्राकर का बेहतरीन ब्लॉक, अगर लगते जद्देदारी तो पावर डबल इंपायर दे और यहाँ पर फिर से शानदार ब्लॉक शेखर चंद्राकर द्वारा। बोनस पॉइंट ठगरी पाली को मिलेगा और एक पॉइंट और यहाँ पर हेम कुमार का फिर से टेकल कर लिए गए हैं। मैच का पूरा तारंदार शेखर चंद्राकर के ऊपर निर्भर करता है। 8-13-5 अंकों की मामूली बढ़त। धर्म को पूरी तरह से खामोश रखा है पेंड्रावन की टीम ने यहाँ पर। और देखते हैं और
फिर से सुपर चंद्रा कर गए हैं, जिन्होंने एक सुपर रेड में पूरा सा पलट दिया था। इनका ब्लॉक और रेड अभी चलता हुआ फाइनल मैच में, और देखते हैं लगाने का कोशिश। और प्रेशर मैच में यहाँ पर खिलाड़ी बन जो नहीं जाएंगे, अभी वहां पर है टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। गजेंद्र भी आप थोड़ा बिट्टू थप के वहां अपन तकरीर संभालता नहीं रखिए। पास से के लिए यहाँ पर शेखर चंद्राकर की रेड की काउंटिंग की जाएगी पॉइंट के लिए। अगर सुपर टेन ही मारेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा भी हो जाएंगे। 11, 12, 13 पॉइंट मारेंगे तब मिलेगा, जो कि लगातार 4 सालों से यह रिकॉर्ड कायम है चंद्रमणि के नायक द्वारा। सुपर टेकल ऑन है, अगर इसको पकड़ दें ठगरी पाली की टीम वापसी की बिगुल बजा देंगे। एक मोमेंटम की जरूरत है ठगरी पाली की टीम को, अभी भी पूरा 9 मिनट बाकी है। देखते हैं क्या कर दिखाते हैं। तीन नंबर की जर्सी भी गया है ठगुरी पाली की ओर से। ताराचंद उछल कूद करते हुए टीम को हिला दिया, लेकिन गजेंद्र अपना सूर निकाल देते हैं, पूरा फंसा लेते हैं। और फिर से शेखर चंद्राकर, जो कि 3 रेड में पासा ही पलट कर रखती है ठगरी पाली टीम को, देख खुद कर ठकेल दिए हैं। वहां से उन जिले के नंबर 1 ऑलराउंडर शेखर चंद्राकर, अगर पाल्टी साफ कर देते हैं लोना लेते हैं, 5 अंक मिलेगा एक ही रेड में शेखर चंद्राकर को। मगर देखते हैं वहां फाइनल का मैच सीरीज और ट्रॉफी के ऊपर भी उसकी नजर। डिसाइडेड रेड, देखते हैं ताराचंद क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। हेड टच की कोशिश, लेकिन उतनी अच्छी मजबूत क्षेत्र रक्षण के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर टिकल कर लिए गए, टाइम आउट लिया गया है। दो आउट डायरेक्ट सुपर टिकल आउट, अगर यह हम इस खिलाड़ी को पकड़ दें 2 अंक मिलेगा। रिक्शा रेडर को लेना है, मगर देखते हैं डिफेंड यहाँ रिक्शा लेते हैं कि रेडर, ये तो कुछ ही सेकंड पश्चात पता चलेगा। और काफी टीम चले गए हैं, देखते हैं हेम कुमार 1 नंबर की जर्सी में। दो बार यहाँ पर एडवांस टेकल गलती करते हुए लक्की, जो कि अभी तक अच्छे ब्लॉक करते आए हैं। और 9 नंबर की जर्सी में गए हैं भूषण साहू, बोनस अटेम्प्ट किए हैं, बोनस मिलेगा, बोनस 1 अंक और लाठी में चले गए हैं। और जो सर ताली के साथ स्वागत करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से एक बार शेखर चंद्रा कर गए हैं। देखते हैं क्या धमाकेदार रेड मारेंगे, उनका ब्लॉक और सर्विस अभी तक फाइनल में देखने को मिला है जबरदस्त। और इसी तरह से एक बार फिर फरबू गए हैं 1 नंबर की जर्सी में। पेंड्रावन की टीम ने इनको खामोश रखा है, जिसका फायदा पेंड्रावन टीम को काफी मिला है। और यहाँ पर फिर से अच्छी ब्लॉक शेखर चंद्राकर की, ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए। क्योंकि हमारे गांव के भूषण नायक से नाम है भोजली शेखर चंद्राकर। मारो ना निकाल के,
और यहाँ पर फिर टोक लेने में कामयाब अजीत यादव, जो कि दिगेश यादव हमारे यहाँ पे बर्दिया के रिश्तेदार हैं। अजीत यादव अगर शेखर चंद्रावर तीन पॉइंट लेकर जाते हैं तो 201 रुपए ठगुरी पाली के उप सरपंच दिलेश साहू के द्वारा दिया जाएगा। अगर तीन पॉइंट सुपर रेड लेकर जाते हैं शेखर चंद्राकर तो अंतिम 5 मिनट का खेल बाकी है। अगर इस तीनों को लेकर जाते हैं 5 पॉइंट मिल जाएगा, 200 तो अलग मिलेगा, 500 की रेस में भी बने रहेंगे, शायद हमारे ठेकेदार का इज्जत बरकरार रहेगा। बड़े बड़े टंकी बना रहे हैं, उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो शेखर चंद्राकर की खेत की बूढ़ी है। थोड़ा सा एक तरफा होता हुआ मैच, ठगरी पाली टीम को अभी भी वापसी करनी होगी। उनके टिफेट पे चले हैं लेकिन उनके रेडर घर में नहीं चले हैं। अगर दोनों को ले जाएंगे तो 4 अंक मिलेंगे शेखर को, और उनका काउंटिंग जारी है। यहाँ पर एक साथ 3 से 4-5 इनाम मिल सकता है। अंतिम 4 मिनट का खेल बाकी है और अजीत नायक का अजीत यादव द्वारा अंगद की तरफ टेकल करते हुए अभी भी 3 मिनट 46 सेकंड का समय बाकी है। ठगरी पानी को दमखम दिखाना होगा। एक तरफा होता हुआ मैच, अगर यहाँ सेटिंग बाजी होगी तो नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर फिर से 1 अंक लेते हुए तीन पॉइंट हुआ है अभी, बहुत सारा पॉइंट अर्जित कर। अरे शेखर को टेकल कर रही है, लालच में फंस गए, लालच बुरी बला। और यहाँ पर गजे भी चले गए। अंतिम 3 मिनट से शेखर चंद्राकर हमारे गांव के भूषण नायक के भोजली है। दोनों का शरीर पेट हर चीज एक ही समान निकला हुआ है। यार यहाँ पर देखते हैं क्या कर दिखाते हैं। अंतिम 2.5 मिनट का खेल बाकी है। उनके कोच द्वारा कुछ दिशा निर्देश शायद दे सकते हैं अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए। और यहाँ पर टाइम आउट लिया और अजीत जा रहे फिर से 3 नंबर की जर्सी में। अजीत जीत को जीत का ना कुछ गिरी नहीं ना उनकी भी होता है। और ठगरी पानी यहाँ पर सोबे जैसा मैच चलता हुआ बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि फाइनल चल रहा है, पूरे हंसी मसी मजाक अंदाज में। अंतिम 2 मिनट शेष, बोनस प्लस 3 पॉइंट यहाँ पर, ये दूध भात है अभी का जो मैच चल रहा है 2 मिनट का। इसका पॉइंट काउंटिंग नहीं किया जाएगा, पूरा दर्शक से लेकर ऑफिसियल हर कोई जान गए हैं। और गजेंद्र की मांग हो रही है यहाँ पर, गज्जू भैया एक आम मिट्टू थपक दिया गए। और अंतिम 1.5 मिनट का खेल बाकी है। भरपूर कोशिश है शेखर चंद्राकर की, पूरी नजर लगी हुई और ये पकड़ा गए और रिकॉर्ड के चक्कर में लालच बुरी वाला है, सिटी बन गया था। 7 पॉइंट हो चुका है शेखर चंद्राकर का ईमानदारी से, 3 पॉइंट बाकी है अभी भी, 3 पॉइंट बाकी है, उसका काउंटिंग चल रहा है। अगर एक सुपर रेड अंतिम 1 मिनट, और यहाँ पर गजेंद्र जो कि अच्छे खिलाड़ी है, देख दिया मिट्टू थप किसना थपका इस बात
क्रास कौन की देखी तू रेडर आउट रेडर नो क्रास रेडर आउट और यहाँ पर फिर से शेखर चंद्राकर अजीत है गलत अजीत है नहीं नहीं अजीत आएंगे शेखर चंद्राकर पार में बैठे अजीत आएंगे गलत हो रहा है 30 सेकंड था 10 सेकंड बढ़ा दिया जाएगा और अजीत यहाँ पर आ गए हैं पार्टी साफ हो चुका है अभी भी अगर शेखर चंद्र का सुपर रेड मार देते और अभी कर लेंगे तीनों को अगर ले आते हैं तो और बराबरी पर आ गए हैं चंद्रमणि के स्कोर का बराबरी हो चुका है यहाँ पर उपन्यास का माइक है भाई वो टीम के खाते में जाता है आप खुद समझदार है फिर भी 100 रुपए दिया जाएगा उसकी रिकॉर्ड की बराबरी के लिए और मैच समाप्त वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।